पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? खासकर भगवान का सत्संग, भगवान का नाम, श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान चरित्र, भरत चरित्र एवं रामचरितमानस, ईश्वर के द्वारा लिया हुआ रूप और उनके द्वारा किया हुआ गुणगान, इन सबको सुनने से पूर्व, इन सबको कहने से पूर्व ऐसा नियम क्यों बनाई गई, ऐसी रीति क्यों बनाई गई कि सबसे पहले उनका नाम संकीर्तन किया जाए? तो संतजन बतलाते हैं कि ऐसा नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे हृदय रूपी आंगन में भगवान की कथा हम कहां बिठाएंगे? अपने हृदय रूपी आंगन में, आंगन में कहां, हृदय में। कोई मेहमान आ जाए, कोई विशेष व्यक्ति आ जाए तो आंगन और अपना घर हम सब साफ कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं। तो भगवान की कथा कर्ण मार्ग से हमारे हृदय में जाएगी और हृदय रूपी आंगन हमारा कुंठित है, मैला है, माया रूपी मैल जमी हुई है। हमारे हृदय रूपी आंगन में माया रूपी मैल जमी हुई है, उस माया रूपी मैल को भगवान के नाम संकीर्तन रूपी झाड़ू से साफ करने के लिए कोई भी शुभ कार्य एवं सत्संग सुनने से पहले हमें भगवान का नाम संकीर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस रीति को निभाते हुए प्रेम से मेरे साथ सभी कुछ क्षण, कुछ पल भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, फिर हम आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम राम, सीता राम 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 राम। भगवान शंकर